अब मैं आपको ना एक बेसिक्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो आपने अपने टाइम टेबल में डालना है। जब 15 मिनट यूज करोगे, प्लीज 15 मिनट में कुछ नहीं जाता, 15 मिनट यूज करना, उस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना, देखना कैसे आपका सारा दिन बेस्ट वे में यूटिलाइज होता है। दो प्रिंसिपल्स मैं आज आपको देके जा रहा हूँ, इन दो प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में उतार लो। हर एक बच्चा कहता है जब भी रिजल्ट आ जाता है कि अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो मैं इससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट ला सकता था। तो आपको मतलब अपना पोटेंशियल पता है, आप अपने पोटेंशियल को ध्यान में रखो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल एडोडोज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए अगर आप एक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, और अगर आप इन फ्यूचर अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो क्या क्या टिप्स और क्या क्या चीजें आपके लिए मस्ट फॉलो है ताकि आप अच्छे से अपने दिन को मैनेज कर सके, अपने टाइम को मैनेज कर सके, अपने शेड्यूल को एक बेहतर शेड्यूल बना सके। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे नहीं बताने वाला कि 7 से 8 आपने ये करना, 8 to 9 आपने ये करना, बिल्कुल भी ऐसा टाइम टेबल मैं आपको नहीं दूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुछ जर्नल बातें बताऊंगा, उन सभी जर्नल जो बातें हैं उन सबको आपने एक कॉपी पेन लेके लिख लेना है। उन कॉपी पेन में लिखे हुए पॉइंट्स की हेल्प से आपने खुद का अपना टाइम टेबल बनाना है। 15 मिनट लगने आपको टाइम टेबल बनाने में, और उन 15 मिनट का इफेक्ट आपके पूरे दिन पे जाएगा। अगर टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहे हैं तो रोज ट्राई करो, कुछ ना कुछ ट्राई करते जाओगे तभी जाके एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छे से अपना टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा उन सबको एक जगह लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें ध्यान रखनी है अपने शेड्यूल को मैनेज करते। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट काम जो आपका है वो है टू डू लिस्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा ये देखने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, और फॉलो करने के बाद इनका आउटकम बहुत अच्छा है। तो इन सब पॉइंट्स को लिखते जाओ और ध्यान से फॉलो करना इन सबको। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट का क्या सीन है, सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका दिन पूरा शेड्यूल रहे, आपके दिन में आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो और अपनी स्टडीज को ज्यादा टाइम डिवोट कर सको, सबसे पहले आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट में आप वो चीजें मेंशन करोगे जो जो आपको पूरे दिन में करनी है। अब ये मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये आप रात में बना के सोए, जैसे अगर आपने कल जो भी काम करना है सबकी टू डू लिस्ट आज आपने ड्रॉ कर ली, आपने बना के रख ली रात में, आपने बना के रख ली ताकि अगले दिन आपको पता है कि मैं आज में ये सब काम करने वाला हूँ। अब मैं क्या करता था फ्रेंड्स कि जैसे मेरे टू डू लिस्ट है बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए, कुछ इनमें से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, तो मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनमें डबल स्टार दे देता था, जो इम्पोर्टेंट है उनमें सिंगल स्टार देता था, जो करे या ना करे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उनको ऐसे प्लान कर देता था। तो मेरा ये टारगेट होता था कि ना मैंने दिन खत्म होने से पहले ये सारे काम तो खत्म करने ही करने हैं, जितने भी स्टार्स वाले काम है ये सारे काम तो खत्म करने ही करने हैं, रही बात जो ये सिंपल काम है इनमें से लगभग 80% काम खत्म करना, मतलब मैं अपनी टू डू लिस्ट की 80% चीज कट करके ही सोलूंगा, ये मेरा टारगेट होता था। तो ये है टू डू लिस्ट। अगर आपने टू डू लिस्ट बना रखी है ना तो आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं है कि आज क्या करूं, अब क्या करूं, इसके बाद क्या करूं, आपके माइंड में सारा दिन एक तरह से शेड्यूल होगा कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। ये सब चीजें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना और इन बातों को जरूर नोट करते हुए चलना ताकि आपका ही बेनिफिट हो। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में। अपने सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि ना अगर आप नाइट वर्सेस डे का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में देर तक जाग के पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों काम नहीं कर सकते, वो करते हैं दिन के बीच में कुछ शेड्यूल कर रहे हैं, कुछ बीच में टाइम निकाल रहे हैं, उस तरह से पढ़ रहे हैं। मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहूंगा, नाइट में जो पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया, दिन में जो पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया, और जो बीच का टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया, बट आपका मेन फोकस क्या रहना चाहिए, क्या आपका आउटकम सही आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप 10 घंटे पढ़ो, आप 9 घंटे पढ़ो, आप 12 घंटे पढ़ो, जितना आपका पोटेंशियल है उतना पढ़ो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पोटेंशियल का आउटकम ये है और इस आउटकम पे मैं पहुंच पा रहा हूँ या नहीं पहुंच पा रहा हूँ।
बहुत बार क्या होता है, हर एक बच्चा कहता है जब भी रिजल्ट आ जाता है कि अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो मैं इससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट ला सकता। तो आपको मतलब अपना पोटेंशियल पता है, आप अपने पोटेंशियल को ध्यान में रखो, उस पोटेंशियल को ध्यान में रखने की वजह से आपने देखना कि जितना आउटकम मैं डिजर्व करता हूँ, मेरा पोटेंशियल जितना है उतना मैं ला पा रहा हूँ या नहीं। ऐसा नहीं करना कि मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पा रहा, ये सब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पोटेंशियल ये है तो उसके हिसाब से आउटकम लाऊंगा। अब जो भी आपकी कंफ्यूजन है कि आप नाइट में पढ़ने जाते हैं, दिन में पढ़ने जाते हैं या बीच के टाइम में पढ़ने जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ, अभी शुरू से ही आप अपना ध्यान रख लो कि आपने किस टाइम में पढ़ना है। जितना भी आपके पास टाइम है आपके एग्जाम्स में, आप क्या करो, सबसे पहले आप एक दो दिन नाइट में पढ़ के देखो और सुबह जल्दी उठ के सो पढ़ के देखो, ठीक है। मीन्स एक बार आपने नाइट में पढ़ के देखा तो आप देखो कैसा आपका दिन जा रहा है, कैसा रूटीन जा रहा है। डे में पढ़ के देखा तब आप देखो कैसे रूटीन जा रहा है। आपको ये पता लगेगा कि अगर आप नाइट में पढ़ रहे हो तब आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है या डे में पढ़ रहे हो तब आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कैसे आउटकम के बेसिस पे। तो जब आपको ये चीज पता लगी तो आप उसको फिक्स कर दो, ये अपनी बॉडी की क्लॉक बना लो। जब आपको मान लो आपको पता लगता है कि आप नाइट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती तो बस आपकी बॉडी की क्लॉक बन गई, नाइट में नहीं ज्यादा 3 से 4 घंटे पढ़ते ही सोना है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने बता दी। अब तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोबाइल एडिक्शन के लिए मैं क्या कहूँगा, अगर आप अपने शेड्यूल को सुधारना चाहते हैं और चाहते हैं कि बीच में मोबाइल एडिक्शन ना आए, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल फॉलो करो, बिल्कुल सिंपल रूल है। आपने अब मैं कह रहा हूँ कि ना दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे आपने अपने मोबाइल पर कंट्रोल रखना, मतलब सिर्फ 2 घंटे आपने मोबाइल से बिल्कुल दूर रहना। वो कौन से 2 घंटे, सबसे पहले तो फर्स्ट आवर, फिर आता लास्ट आवर। अब इसका मेरा क्या मतलब है, आप उठे मान लो 6 बजे उठे आप, तो 6 बजे से लेके 7 बजे तक सुबह के आप बिल्कुल भी फोन नहीं यूज करोगे, मतलब कि आपके दिन के पहले घंटे के अंदर आपके हाथ में फोन नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। पहले घंटे तक आपने कंट्रोल रखना है, मीन्स 1 घंटा तक कम से कम आप कंट्रोल रखोगे अपने ऊपर, और आपने शुरू के 1 घंटा फोन बिल्कुल नहीं चलाना। एक दो दिन में ये बातें मान के देखती हूँ, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एक दो दिन की बात कर सकते। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया फर्स्ट आवर के अंदर आपने फोन बिल्कुल नहीं चलाना, साथ ही जब आप सोने जा रहे हो, सोने जाने वाले हो, उससे 1 घंटा पहले अपना फोन रख देना साइड में, अपना फोन मम्मी को दे देना या कुछ मर्जी करना, बस आपने 1 घंटे पहले फोन नहीं चलाना। अगर आपने मेरी ये 2 टिप मान ली ना, आप खुद देखोगे कि कैसे आप खुद अपने फोन के एडिक्शन को कम कर रहे हो टाइम टू टाइम। सबसे पहले तो अगर आपने दिन के ये 2 घंटे कंट्रोल करा, इसका मतलब आपने सबसे पहले जो अपना पोटेंशियल डाउन कर रखा था ना कि मेरे से नहीं होता, फोन एडिक्टेड हूँ मैं, ये है वो है, उसको आपने आउटकम कर दिया सबसे पहले, तो उसको ओवरकम कर दिया सबसे पहले आपने। अब ओवरकम करने का क्या मतलब, आपने अपने को विश्वास दिलाना शुरू कर दिया, देख मैं 2 घंटे कंट्रोल कर रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे करके आप और अच्छे जाओगे। और अगर आप इन 2 घंटों में कंट्रोल कर रहे हो तो सारा दिन आप खुद इम्पैक्ट देखोगे कैसे आपकी फोन एडिक्शन कम होगी। तो प्लीज मेरी बात मान के ये वाला स्टेप तो जरूर आपको फॉलो करना है, वैसे तो आपको हर एक फॉलो करना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो, पर ये वाला स्टेप तो आप 101% फॉलो करो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 4th इम्पोर्टेंट, अब मैंने आपको 2 घंटे का ये बताया कि 2 घंटे आपने कैसे यूटिलाइज करना है। अब मैं आपको कह रहा हूँ 15 मिनट और दो मुझे, 15 मिनट में आप क्या करोगे जब आप शुरू होगी, नो मैटर आप कितने मर्जी बजे होते, आप सुबह 5 बजे उठे, आप सुबह 6 बजे उठे, आप सुबह 10 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी बजे उठे 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करना। अब मेडिटेशन करने से क्या होगा, प्लीज प्लीज मैं आपको प्लीज कह रहा हूँ ये बात जरूर मानना कि 15 मिनट मेडिटेशन करना, 1-2 दिन आप लगातार मेडिटेशन करके देखो, आप देखोगे कि कैसे आपका आने वाला सारा दिन स्ट्रेस फ्री होके जा रहे हैं, बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो, आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका मन लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई में आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज मेरे कहने से 1-2 दिन 15 मिनट मेडिटेशन करके देखो। अब मेडिटेशन में आपने क्या करना है, बहुत सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आती है, उनमें से कोई सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर दो, योगा में प्राणायाम कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब मेडिटेशन की एक्सरसाइज आप जो मर्जी करना चाहे, आप चाहते हो तो साथ में मेडिटेशन का जो टोन होती है वो भी चला सकते हो मोबाइल वगैरह में, बट ये ध्यान रखना कि पहले घंटे में मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। तो 15 मिनट मेडिटेशन करके देखो, आप देखोगे कि कैसे सारा दिन आपका आने वाला प्रोडक्टिव जा रहा है और कितना मजा आ रहा है आपको छोटे छोटे काम में सारे दिन में।
तो सबसे पहले ये मैंने बता दिया 15 मिनट आपने मेडिटेशन करनी है, ये सब चीजें मैं आपको बता दिया। अब थोड़ी सी ये बात, मेरी एक और बात ध्यान रखना कि आप चाहे अभी आपके स्कूल लग रहे हैं चाहे नहीं लग रहे, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लग रही है या नहीं लग रही, चाहे आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या फिर आप जो पोस्टपोन बच्चों के ऊपर उन बैच से हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका सेल्फ स्टडी का टाइम हमेशा ज्यादा होना चाहिए ट्यूशन टाइम से। अब इसका मतलब क्या है, आप अलग अलग कोचिंग में से पढ़ रहे हो, आप स्कूल में से ट्यूशन ले रहे हो, आप यूट्यूब पे से लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो, पर खुद जब पढ़ने की बात आती है तब पढ़ने का मन नहीं करता। वही असली चैलेंज है, खुद का मन कराना है पढ़ने का, तभी जाके एक अच्छा स्कोर डेवलप हो पाएगा। मैं नहीं कहता 10 घंटे पढ़ो, मैं नहीं कहता 11-12 घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, पर सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप ट्यूशन ले रहे हो 2 घंटे तो आपको कम से कम, नहीं ज्यादा मैं कहता, 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट आउटकम अच्छा है। जो भी आपने ट्यूशन पे पढ़ा उसको आप रिवाइज कर सको, या कुछ भी एक्स्ट्रा आप रिवाइज करना चाहते हो तो आपको सेल्फ स्टडी के टाइम देना पड़ेगा, ट्यूशन टाइम से ज्यादा रखना सेल्फ स्टडी के टाइम। तो ये थी कुछ टिप्स। अब मैं आपको ना एक बेसिक्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो आपने अपने टाइम टेबल में डालना है। जब 15 मिनट यूज करोगे, प्लीज 15 मिनट में कुछ नहीं जाता, 15 मिनट यूज करना, उस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना, देखना कैसे आपका सारा दिन बेस्ट वे में यूटिलाइज होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला रूल, आप रात को टू डू लिस्ट बना के सोए हो तो आपको पता है कि आपने सारा दिन में क्या क्या काम करना है, पहली बात तो देखिए। अब मान लो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, आप सुबह उठ गए 6 बजे, तो 6 से लगभग 7 बजे तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ जिसके अंदर आपने मेडिटेशन करना है, ये सब काम करना है, आपने स्टडी वगैरह करना है। ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे अपने टाइम को देखते हैं, हो सकता है जहां पे मैं आपको पढ़ने के लिए कहूँ, जहां पे मैं आपको रेस्ट लेने के लिए कहूँ, वहां पे आपकी ट्यूशन हो, तो आपने अपने आप देखना कि आपने टाइम टेबल क्या बनाना है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया मेडिटेशन कर सकते हो या और कुछ काम जो भी आप फ्रेश वगैरह होना चाहते हो सब चीजें कर सकते हो। तो इसके बाद जब भी आपका फर्स्ट स्टडी सेशन सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टडी सेशन आपने रखना है 1 घंटा। ये बेसिक से टिप्स एंड टिप्स को फॉलो करते हुए चलना, देखना कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फर्स्ट स्टडी सेशन आपने रखा 1 घंटा जिसमें आप करोगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप अकाउंट्स कर सकते हो, यहाँ पे आप मैथ्स कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट स्टडी सेशन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है, जबकि बहुत टाइम से हम तो ये सुनते आ रहे हैं सुबह जल्दी उठ के लर्निंग का काम अच्छा होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट आवर में दिन के जो भी आपने फर्स्ट स्टडी सेशन है वहां पे अगर आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हो तो आपके माइंड को एक सिग्नल ट्रिगर होता है जिस वजह से आपका माइंड जल्दी एक्टिव हो जाता है, सो के उठा माइंड मेडिटेशन वगैरह कर ली, पर स्टडी के मूड में ढालने के लिए एक ना एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ढालो, सिर्फ एक घंटा। उसके बाद सेकंड जब आप स्टडी सेशन रखोगे, चाहे वो आप 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद रखो, वो आपका पोटेंशियल है, वो आपकी कैपेसिटी है, आपको खुद को बताओ, ठीक है। तो चाहे आप सेकंड स्टडी सेशन जब आप रखोगे तो यहाँ पे आप उठाओगे थियोरेटिकल सब्जेक्ट। थियोरेटिकल सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे मैं, अब सुबह सुबह का मौसम है, आपने 1 घंटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लिया, हो सकता है आप बैठे बैठे थकते हो, तो आप या तो अपने टेरेस पे जाके या बालकनी वगैरह में जाके या कहीं भी गार्डन है आपके घर के आसपास या आपके घर में कहीं गार्डन है तो वहां पे टहलते टहलते आप उस थियोरेटिकल सब्जेक्ट को लर्न कर सकते हो। आप ये बात ध्यान रखना, सारा 1 घंटा टहलते टहलते नहीं बिता देना। अगर आप लर्न करने गए हो तो आपसे कम से कम 15-20 मिनट आपको मिलेंगे, वहां भी जो आपको समझ में आते हैं लर्न कर लो। टेरेस पे आप अपने छत पे हो, अपने बालकनी में हो, कहीं मर्जी जहां पे आपको फ्रेश एयर मिल रही हो सुबह सुबह, वहां पे आप इन सब चीजों को लर्न कर लो। लर्न करने के बाद इन सब चीजों को आके एक जगह नोट जरूर कर लेना अगर आप चाहते हो। चाहे मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने सारा का सारा अगर एक चैप्टर लर्न किया तो पूरा पूरा चैप्टर लिखना, आपने जैसे मान लो कोई भी एक चैप्टर लर्न किया उसमें आपको समझ में आना चैप्टर का नेम लिख दिया आपने, यहाँ में क्रिसमस हेडिंग लिख दी, फिर उसकी 2-3 बातें लिख दी, हेडिंग लिख दी 2-3 बातें, हेडिंग लिख दी 2-3 बातें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है इज आर एंड दाद वगैरह लगाना है, सिंपल कीवर्ड्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार लिखना जरूर ताकि आपको वो याद रहे लंबे समय तक, ठीक है। तो
तो मैंने आपको बता दिया कि आपका फर्स्ट स्टडी सेशन क्या रहने वाला है, सेकंड स्टडी सेशन क्या रहने वाला है। अब एक मैं बात कर लेता हूँ आपके लास्ट स्टडी सेशन, जो आपका लास्ट स्टडी सेशन रहने वाला है दिन का, चाहे वो जितने मर्जी बजे हो, चाहे मतलब जब आप बिल्कुल सोने वाले। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया था, सोने से पहले फोन नहीं लोगे। लास्ट स्टडी सेशन में आपने क्या करना है, लास्ट स्टडी सेशन में आप कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात बोल सकते। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सोने से पहले जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अगर आपने बुक पढ़ी हो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें बात क्लियरली आपको अच्छे से और डीप से समझाई है, उसके बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रात को सोने से पहले कोई भी थ्योरेटिकल चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसके आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़े या कुछ भी नॉलेज बढ़ने वाला काम अगर आप करते सोते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर होता है और वो ज्यादा लंबे टाइम तक आप अपने माइंड में रिटेन करके रख सकते हैं। तो जोन सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को बी एस टी मुश्किल लगती है, तो बी एस टी सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज में अकाउंट्स कॉमर्स के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो आप लास्ट स्टडी सेशन में कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा सकते हो जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छे से चला जाए और आपके लिए लंबे टाइम तक रिटेन रहे। टाइम टेबल बताना मेरा काम नहीं था, मेरा काम है टाइम टेबल की टिप्स देना, टाइम टेबल की गाइडलाइन देना, उनको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, उनको अच्छे से एक फ्रेमवर्क में ढालना वो आपका काम है। मैं सिर्फ आपको टिप दे सकता हूँ, स्पून फीडिंग करने का कोई टाइम नहीं। अब आप काफी मेच्योर हो चुके तो आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले ये सब चीजें आपको समझ में आती है, ये सब चीजें मैंने आपको बतानी थी और ये बता दी। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहूंगा, कुछ और करो ना करो, एक मेडिटेशन, एक टू डू लिस्ट बनाना, ये तो अपने लाइफ के रूल बना लो। आपके खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको खुद को पता है कि आप कितने ज्यादा लेजी हो, कितने ज्यादा लेथार्जिक हो और कितने ज्यादा आप ऐसे काम कर नहीं सकते, ये स्टडी आप करते नहीं, ये किसी और से बेहतर आपको खुद को पता है। तो अपने आप के आगे अपनी रिस्पेक्ट है कुछ ना कुछ, उस रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। दो प्रिंसिपल्स मैं आज आपको देके जा रहा हूँ, इन दो प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में उतार लो। सबसे पहला टू डू लिस्ट बनाना, दूसरा 15 मिनट की मेडिटेशन, कुछ और नहीं फ्रेंड्स, आप दो तीन दिन करके देखना कैसे आपकी लाइफ आपको चेंज होती है। तो आज की वीडियो में बस यही था, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।